पंजाब में बीजेपी को झटका, सिद्धू के बाद अब उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने भी दिया पार्टी से इस्तीफा। अमृतसर से विधायक हैं नवजोत कौर सिद्धू। यूपी में 11 आईएएस अफसरों के तबादले, रमा रमण को फिर बनाया गया है नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन। फिर मिले पाकिस्तानी सेना के आतंक को मदद देने के सबूत, 6 अक्टूबर को मारे गए आतंकियों से बरामद किए गए पाकिस्तान में बने हथियार, सेना के नॉर्दर्न कमांड ने जारी की लिस्ट। एलओसी पार, भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक से फिर सामने आई पाकिस्तान की बौखलाहट, सूत्रों के हवाले से खबर, आईएसआई चीफ रिजवान अख्तर की जल्द हो सकती है छुट्टी। बाड़मेर सीमा पर तैनात जवानों का गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ाया हौसला, कहा किसी तरह की फिक्र ना करें, देश आपके साथ। वाराणसी में इंडिया 24/7 की खबर का असर, गांधी विद्या संस्थान में अवैध कब्जा को हटाने के लिए गई पुलिस टीम, 10 साल से कुछ लोगों ने कर रखा था अवैध कब्जा। और नवरात्र के साथ साथ लंबे वीकेंड के चलते वैष्णो देवी में लगा श्रद्धालुओं का तांता, रोजाना पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 50,000 के पार, 5 देशों से मंगाए गए फूलों से सजाया गया माता का दरबार। नवरात्र पर सजा मां का दरबार, सप्तमी के मौके पर मां दुर्गा के पंडालों में खास सजावट और पूजा अर्चना, उमड़ा भक्तों का हुजूर। और क्या हर दिन को आखिरी समझने से कठिन फैसले लेना होता है आसान, देखिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो 7:30 बजे।